नंबर्स का कैल्शियम और एक्सियम निकाल सकते हैं। और मान लो हमारे पास तीन नंबर है, वो नंबर है हमारे पास 12, 18 और 24, और हम उसका एक्सियम निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम पहले इन नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं उनको पेपर पे लिख लेंगे। जैसे 12 के जो फैक्टर्स होते हैं वो है 1, 2, 3, 4, 6, 12, वो पेपर पे लिख लेंगे। इसी तरह 18 के फैक्टर्स और 24 के फैक्टर्स लिख लेंगे। अब जो 12 के हमारे पास फैक्टर्स है ना, तो हम वो स्टिक्स यहाँ पे डालेंगे। 12 के फैक्टर्स हमारे पास है 1, तो 1 में एक स्टिक डालेंगे। उसके बाद है 2, 2 में स्टिक डालेंगे। 3 है उसमें डाल देंगे, 4 में डाल देंगे, 6 में डाल देंगे और 12 में डाल देंगे। ऐसे हमने स्टिक्स डाल दी, 12 की स्टिक्स होगी। अब 18 के जो फैक्टर्स हैं वहाँ वहाँ पे एक स्टिक डालेंगे। 18 का फैक्टर है हमारे पास 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, नेक्स्ट हमारे पास है 6, 9, उसके बाद है हमारे पास 18। ये 18 के फैक्टर्स हो गए। अब जो 24 के फैक्टर्स हैं वहाँ पे हम स्टिक्स डालेंगे। 24 के हैं 1, 2, 3, 4, 6, उसके बाद है हमारे पास 8, 12, 24। ये 24 के फैक्टर होंगे। अब हमने जो एक्सीएफ निकालना है ना, वो बहुत ही आसान है। जो सबसे बड़ा नंबर जिसमें सबसे ज्यादा स्टिक्स पड़ी है वो एक्सीएफ होएगा। तो यहाँ पे सब में 3 स्टिक्स पड़ी है, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे बड़ा नंबर जिसमें 3 स्टिक पड़ी है वो है 6, तो इसका एक्सीएफ हो जाएगा 6। ऐसे हम किसी भी दो नंबर्स का या 3 नंबर का एक्सीएफ निकाल सकते हैं।